सांड के आतंक से किसान खेतों पर कैसे जाएं, बताया जान का खतरा। जनपद संभल कोतवाली बहजोई क्षेत्र के गांव औलपुर मैथरा नरोदा नगलिया खूड़ के जंगल में सांड का आतंक फैला हुआ है। जब किसान खेतों पर जाते हैं तो किसानों को उस सांड का भय बना रहता है क्योंकि वह सांड मारने को भागता है। इसी बीच किसानों से बात की तो किसानों ने बताया कि हम लोग जंगल में सांड से बचने के लिए पेड़ों पर व बिजली के खंभों पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। इसी को देखते हुए कुछ किसानों ने ट्रैक्टर में सवार होकर उस सांड के लिए भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। क्या नाम भैया आपको? मेरा नाम सतीश है। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव आलपुर है। तो आप जंगल में भागते फिर रहे हैं, क्या मामला है? अरे सर, जान माल का खतरा है और खतरा हो रहा है, और ये जो फसल अब काटने का टाइम है किसान का, बताओ ये 6 महीने की फसल होती है, यही बर्बाद हो जाएगी। सांड आ गए 3-4 5 सांड है, ये बताओ जीने को मारने की, इनको ये मार देंगे जान से, जो कोई जा रहा है उसके पास उसी को मारने को कर रहे हैं। अरे जान से मारने को कर रहे हैं, वो तो आग नीचे के भाज पड़ता है। बताओ कोई बच्चा बच्चा आ गया, कोई लेडीज आ गई, कोई खाना देने भी आते हैं जंगल में, बताओ क्या करें? इससे तो हमारी जान मारने का बहुत ज्यादा खतरा है। आप इतने ग्रामीण, अरे नहीं भागने को राजी, जहाँ पब्लिक होती है भाई आवाज पे भगता है ये मारने के टाइम, हाँ आवाज पे भगता है ये, कहाँ जाए बताओ। कितने समय हो गए भागते हुए? सुबह दिन निकला नहीं, सुबह 5 बजे से, मैं 5 बजे का उठा हुआ, मैं सबके काम बोल रहा हूँ भाई चलो थोड़ा बहुत सहारा करवाओ, लेकिन ये जब आदमी देखता है वही उसी के ऊपर भाग पड़ता है। अब यह चाहते हैं सांड ये पकड़ के या तो गौशाला में चला जाए या कहीं वन विभाग वाले इसको पकड़ ले जाए, हमारी थोड़ी मदद करें इस बारे में। एक किसानी को बताओ, अभी 6 महीने की फसल है, इसको काटने नहीं देगा, ये बताओ कैसे जंगल में आएंगे हम। हाँ।